हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन इन्वायरमेंटल साइंस दोस्तों आज हम दिसंबर 2019 में पूछे गए चार और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इससे पहले हम 16 क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में पूछे गए थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें सेक्शन थ्री बी ऑफ़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एटी डील्स विद द इसमें हमें चार ऑप्शन दिए थे पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ़ द प्रोविजन केसेज इन विच ऑफेंस आर मेड बाय अथॉरिटीज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ़ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ प्रोविजन फॉर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय द कम्युनिटी तो दोस्तों अगर आपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 देखा होगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं हम इसे आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हमारा पेनल्टी फॉर कंट्रावेंसन ऑफ द प्रोविज़न है तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोविज़न है थ्री ए है जो हमारा केसेस इन विच ऑफेंस आर मेड बाय अथॉरिटीज़ ये हमारा आंसर है ये हमारा प्रोविज़न थ्री बी है और जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया था रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ ये हमारा जो है टू टू सेक्शन में आता है कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट में और जो हमारा प्रोविज़न फॉर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय द कम्युनिटी ये हमारा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 चैप्टर थ्री तो दोस्तों आप एक बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन देख लीजिएगा और उसके मेन मेन पॉइंट जो हेडिंग पॉइंट्स हैं क्लॉज के वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन पेपर में हो जाए तो आप जी सॉल्व कर पाएँ दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू थाउजेंडेंसटीन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कलर्ड नॉन क्लोनेटेड प्लास्टिक बैग शुड बी यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए व्हाइट येलो ब्लू रेड बहुत ईजी क्वेश्चन है येलो कैटेगरी अगर आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कौन कौन से वेस्ट आते हैं आपको इसके बारे में जानना है तो इसमें इस, में, इस में, मैंने एक वीडियो बनाई है बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा और अपने इस वीडियो के कार्ड में भी आपका अटैच कर दूंगा इसका आंसर है येल्लो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है द आर्टिकल 48 एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर इन्वॉरेंटल प्रोटेक्शन वॉजिंग इंडक्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री आफ्टर दी तो दोस्तों बहुत ही कॉमन कौ, क्वेश्चन है ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है ये रिपीटिव क्वेश्चन है तो सब हर कोई कर पाएगा बहुत इजी क्वेश्चन है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इसके बाद जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूंट ऑफ फोटोकेमिकल कॉमिकल स्मोक तो दोस्तों आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बताऊँ जी फोटोकेमिकल स्कोप में हमारे जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारा एक तो ओजोन है नाइट्रिक ऑक्साइड है देन हमारा एक्रोलिन है फॉर्मेलि देन पर ऑक्सील नाइट्रेट तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है थ्री वो हमारा इसमें कंस्टिट्यूंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का तो हमारा जो ऑप्शन है थ्री वो करेक्ट है तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और देखते रहे हमारे दिसंबर टू की